हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ मार्केट से परचेस करके लेकर आया हूँ। और इस चीज़ का इसमें क्या होगा, इस बॉक्स में आप सभी लोग सोच रहे होंगे, तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बना हुआ है, या बिल्कुल ये ट्रांसफार्मर है जो मैं लेकर आया हूँ। तो ये मैंने मार्केट से नया परचेस किया है। तो ये मैं ट्रांसफार्मर जो है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ अनबॉक्स करके। इसके अंदर किस टाइप का ट्रांसफार्मर है मेरा, तो इस डिब्बे को तो हम साइड में रख लेते हैं फ्रेंड्स अभी। और आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर मेरा कुछ इस तरह का है। यहाँ लिखा हुआ है 12012। तो ये कितना मोटा है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर है 3 एम्पियर, 12012 3 एम्पियर का है। ये देख सकते हैं आप, ये 12, ये 0, ये 12। और ये इसकी इनपुट एसी सप्लाई की इनपुट है और ये एसी की आउटपुट है। तो फ्रेंड्स, ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर कितने का आया, इसका डिस्कस हम, मैं इसको वीडियोग्राफी में बताऊंगा इसकी प्राइस ये कितने का आया है। और फ्रेंड्स, मैं कुछ और चीज़ें मार्केट से लेकर आया हूँ। और ये जो आप देख सकते हैं, ये मैंने बड़े वाले 4 डायोड मार्केट से परचेस किए, जहाँ से ये ट्रांसफार्मर मैंने परचेस किया था वहीं से इसको परचेस किए हैं। तो ये मुझे लगभग 16 रुपये के 4 दिए थे शायद अंकल जी ने, 4 रुपये का एक डायोड होगा ये फ्रेंड्स। तो ये 5 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर में भी आप लगा सकते हैं। ये बड़ा आपको, अगर आप 2 या 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेकर आए फ्रेंड्स, तो 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर में आप अपना वो 4000 7 वाला जो डायोड होता है ना फ्रेंड्स, मिनी वाला, वो नहीं लगाए, क्योंकि वो इसके एम्पियर नहीं झेल सकता और वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे मोटे वाले डायोड लेकर आइए, थोड़े मोटे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ ये इसकी गिनती क्या है, IN5408 इसकी गिनती है। इसका नेम है मतलब IN5408 डायोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मैंने ब्रिज बना लिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रिज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो पहले हमको दो, ये देख सकते हैं आप, ये डायोड का सिल्वर जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये प्लस होता है। तो एक सिल्वर डायोड को दूसरा सिल्वर को हमको साथ में अटैच करना है, फिर दूसरी तरफ एक और ऐसे ही बनाना है, एक ब्लैक माइनस वाला डायोड को, ब्लैक माइनस वाला दोनों को साथ में कनेक्ट करना है। फिर जो यहाँ पे जो वायर बचते हैं फ्रेंड्स, एक सिल्वर एक ब्लैक बचता है, तो इनको भी ऐसे कनेक्ट कर देना है, जहाँ पे सिल्वर और ब्लैक है यहाँ आमने सामने। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर की ये एसी वाली सप्लाई यहाँ पे लगेगी फ्रेंड्स। और ये जो हमारे दो यहाँ पे बचते हैं, यहाँ देख सकते हैं सिल्वर है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा यहाँ से पावर सप्लाई का डीसी का। और ये ब्लैक है, तो ये डीसी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपली आप समझ चुके होंगे। और ये मैंने एक 25 वोल्ट 4700 UF माइक्रोफेरेट का एक कैपेसिटर भी इसमें लगाया है, जो कि हमारी वो एसी वोल्टेज को फ़िल्टर करता है, क्योंकि डायोड से ही पूरी अच्छी तरह से एसी टू डीसी नहीं बनती है। तो ये लगाना, कंडेंसर लगाना हमको बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, है ना। तो ये हमारी एसी टू डीसी कन्वर्टर ब्रिज तो हो गया रेडी। तो हम बात कर रहे थे इस ट्रांसफार्मर की। तो फ्रेंड्स, इस ट्रांसफार्मर को मैं लेके आया हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे, और इसका प्राइस है 180 रुपीज़ फ्रेंड्स, 180 रुपये आपको जाकर बोलना है, 12012 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिया है ये तो एल्यूमिनियम वायर कोयल का है, आपको जो लेना है वो कॉपर कोयल में लेना है। मैंने कॉपर का उनको बोला था, उन्होंने बोला कॉपर का अभी इतना नहीं आता है, तो यही ले जाओ, तो यही मैं लिया है। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये जो है इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता, एम्पियर और करंट का बराबर आता है, पावर और एम्पियर वोल्टेज, बस ये हीट ज़्यादा होता है और वो थोड़ा हीट कम होता है और ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो हम इसके साथ और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड से ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दी है, और अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है हमें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा,
जल्दी से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टेस्ट करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ऐसी वोल्टेज पर रखा है इसको, आपको अच्छे से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। और हम ये देख सकते हो 12 12 है, तो इसका ये 12 और ये 0, इसको हम कनेक्ट करेंगे, देखते हैं कितना आउटपुट हमें वोल्टेज मिल रहा है। 14.4 वोल्टेज हमको, 14.4 वोल्ट हमको मिल रहा है यहाँ से एसी। और फ्रेंड्स ये 12 12 के साथ 24 वोल्ट का भी बन सकता है, अगर आप ये जो 12 ये 12 और ये 12 को लेंगे, 0 को छोड़ देंगे तो ये 24 वोल्ट का बन जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 30 वोल्ट हमको ये दे रहा है, ब्रिज लगाने के बाद इसका थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए टेस्ट, अब जल्दी से ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं इसमें हम। तो फ्रेंड्स हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे 12 और यहाँ पर प्लस माइनस मिल गया। देखिए मैं आपको इसका स्पार्क करके भी दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं आवाज़ भी आई होगी आपको। तो हम इसको आप देख सकते हैं ये बल्ब कितना बड़ा है, एक्टिवा के इंडिकेटर का है ये, तो हम इसको इससे जला कर देखेंगे 3 एम्पियर का है। आपको क्या लगता है ये इसको जला पाएगा? वीडियो पे बने रहिए। तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट पे कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम इसको 24 वोल्ट पे भी ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसमें यहाँ 12 और ये 12 लिया और ये 0 को हटा दिया है। अब इसका स्पार्क मैं आपको दिखाता हूँ, कितना तेज़ स्पार्क, देखिए आपको स्पार्क की आवाज़ भी आ रही होगी फ्रेंड्स। तो ये 3 एम्पीयर का ट्रांसफॉर्मर है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा पावर वाला है। तो इस बल्ब को हम फिर से लगा कर देखेंगे 24 वोल्ट से, देखिए कितना अच्छे से जल रहा है, ज़्यादा तेज़ी से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फ्रेंड्स कर दीजिए वीडियो को एक लाइक, अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल फ्रेंड्स।